की जारी है और बैठक का नतीजा क्या निकलेगा ये भी पता चलेगा। क्या ये बताइए नियमावली जो तैयार हुई है, नियमावली में किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है? नियमावली में तो हमारे जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है उनके लिए कुछ भी है नियमावली ही नहीं है। नियमावली के हर बिंदु पर हमको आपत्ति है कि जो हमारे शिक्षक है उसको उस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया है, फिर से परीक्षा दीजिए। और जब केंद्रीय एजेंसी के द्वारा परीक्षा जो हमारे छात्र पास किए हैं उनको भी कहा जा रहा है कि फिर आप परीक्षा दीजिए, तो एक टीचर की बहाली के लिए कई बार परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, ये तो पहले सरकार फैसला करे। सभी संघ आप लोग और खास करके सभी संघ आप लोग एक हो रहे हैं, ये रणनीति और ये फैसला क्यों ले रहे हैं? ये इसलिए ले रहे हैं कि जो बिहार में एक आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, आप देखे होंगे कि हमारे जो सरकार में बैठे हुए डिप्टी सीएम है उन लोगों का भी स्टेटमेंट आ रहा है कि 80% शिक्षक को नहीं आता है पढ़ाने, तो आखिर 80% शिक्षक को बहाल किसने किया है? उसी सरकार के मुखिया ने किया है जिसके आज डिप्टी सीएम कह रहा है कि हमारे शिक्षक को पढ़ाने नहीं आता है। तो प्रणय कुमार ये बताइए कि परीक्षा को लेकर टेंशन है या फिर जो नियमावली है उसकी प्रक्रिया को लेकर टेंशन है? देखिए जो प्रक्रिया है और इससे पहले हम लोग 4 बार परीक्षा दे करके ही शिक्षक बनते थे और सरकार कह रही है कि आप 15 साल नौकरी कर लिए अब फिर से जो है बीपीएससी के द्वारा परीक्षा दीजिए और तब जो है आपको हम अध्यापक बनाएंगे। ये सरकार की शिक्षकों का शोषण करने की साजिश है। इस साजिश के खिलाफ तमाम शिक्षक संगठन गोलबंद होकर के हम लोग इसका विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी गलती कि नौवां फेल जो थे नेताजी उनके चक्कर में हम लोग पड़ गए और उनके लिए भी परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों को भी बीपीएससी से परीक्षा से गुजर करके जो नेतागिरी करना चाहिए। चलिए ये डिमांड कर रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा अभी आप लोग सब एक हो गए हैं या कुछ बाकी है? हम लोग जो है एकजुट लगभग 80% लोग एकजुट हो गए हैं और 20% जो हमारे भाई बंधु हैं उन तमाम लोगों को हम लोग एकजुट करने का। क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह, प्रदेश संयोजक टीवी। बिल्कुल। देखिए राज्य सरकार के खिलाफ कुल मिलाकर ये कहें कि सभी नियोजित शिक्षक अब गोलबंद होने लगे हैं, यही वजह है कि तकरीबन राज्य में अब तक 32 जो संघ है उन संघों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 संघ जो है फिलहाल एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं और सभी अब जो है सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि जो नई नियमावली बनी है वही सरकार के लिए गले की हड्डी बनने वाली है क्योंकि जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो शिक्षक हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर से चेतावनी दे रहे हैं कि आगे हम सरकार को सबक सिखाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।